कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में। और मैं हूँ छवि। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे YouTube वीडियो को देख रहे हैं, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे चैनल के ऊपर चल रहा है गिव अवे, तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर जो लिखा हुआ है बस आपको उसे कॉपी करना है और आपको उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तभी मुझे लगेगा कि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के बहुत सिंपल रूल है। अगर आप पहले से मेरे फैमिली मेंबर हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप नए मुझसे जुड़े हो तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। जितना हो सके मेरे वीडियोस को, नए या पुराने वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो कोशिश करनी है कि 1 आवर के अंदर में मेरे वीडियो को देख ले। बाद में भी देखते हो तो कोई बात नहीं है, बट 1 आवर के अंदर में अगर आप देखते हो तो बहुत 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 अच्छी बात है। ठीक है, मेरे 3 चैनल है, इसके अलावा मेरे और 2 चैनल है, छवि की दुनिया जिसमें मैं डेली ब्लॉग करती हूँ, छवि अश्विनी कुमार चैनल। इन दोनों चैनल को भी जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर दें और मेरे उन दोनों चैनल्स के वीडियो को भी जरूर देखें और उसके ऊपर भी कमेंट करें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना सब कुछ फ्री है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि मेरे उन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बट अगर आपकी इच्छा हुई तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं और आ जाते हैं मेन बात के ऊपर। आपको थोड़ा सा आज लग रहा होगा ना कि छवि कैसे आ गई है, बालों में तो कंघी तक नहीं किया, कोंब तक भी नहीं किया और अजीब सी ही दिख रही हो छवि, है ना। अजीब सी तो नहीं, मैं हमेशा अच्छी प्यारी दुलारी सी दिखती हूँ। मैं अभी जा रही थी एक्चुअली, हाँ कोंब मैंने नहीं किया है, बस ऐसे ही एक क्लचर लगा के आ रही हूँ। वो ये, मैं अभी जा रही थी सार लेने के लिए, मैं सार लेने जा रही थी तो मैं खुद के लिए एक फेस पैक रेडी कर रही थी। तो जब मैं खुद के लिए एक फेस पैक रेडी कर रही थी तो मैं सोची कि जो मैं खुद अपने चेहरे के ऊपर लगाने वाली हूँ, क्यों ना वो मैं आप सबको भी शेयर करूं ताकि आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाए। और जो मेरे फैमिली मेंबर है, जो रेगुलर जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें पता होगा कि मैं बिना कोई भी फेस पैक लगाए हुए मैं सार लेने ही नहीं जाती हूँ। यानी कि डेली रूटीन में मैं अपने चेहरे के ऊपर 2 पैक तो लगाती ही हूँ, एक मॉर्निंग टाइम में और एक नाइट टाइम में। तो भैया अभी जो ये फेस पैक मैं लगा रही हूँ ना, वो इतना इजी पैक है, इतना इजी पैक है कि मैं आपको क्या बताऊं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हम लोग सोचते हैं ना यार ये क्या मेरे चेहरे के ऊपर करने वाला है, ये क्या मेरे चेहरे के ऊपर कमाल करने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली बात ये होता है कि जिससे हम सोचते हैं कि यार इसमें क्या खास है, उसी में कुछ बात होता है ना। यानी कि जिसको हम सोचते हैं कि भैया ये तो एकदम बेकार है, उसमें तो भाई बहुत बात होता है। तो आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी स्किन को वाइटन करने वाला है, ब्राइटन करने वाला, लाइटन करने वाला, आपके पोर्स को श्रिंक करने वाला है, साथ ही साथ आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट बनाने वाला है। इतना इजी है कि क्या बताऊं, हर चीज आपके घर में अवेलेबल है, कुछ भी आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है और गजब का कमाल का। आपके सामने मैं इसे अपने चेहरे के ऊपर लगाने वाली हूँ और आपके सामने विद इन 2 मिनट्स मैं इसे अपने चेहरे के ऊपर से हटाने वाली हूँ, लेकिन इस 2 मिनट में ही आप देखोगे कि मेरी स्किन में फर्क है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर दिखता है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, जब बातें तो बहुत हो गई, अब इस सुपर से भी ऊपर वाले पैक को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों इस सुपर से भी ऊपर वाले पैक को बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना है ना, वो लेना है रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। दूध को उबलने के पहले बस थोड़ा सा आपको निकाल लेना है, हो गया रॉ मिल्क। है तकरीबन 1 स्पून के करीब में ले रही हूँ रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। रॉ मिल्क तो भाई हमारे चेहरे में 4 चांद लगाता है, क्या कहने रॉ मिल्क के, है ना। अब जो इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ दोस्तों, वो है टोमेटो। अब यानी कि टमाटर, और ये क्या की हूँ मैं, थोड़ा हाफ कट कर दी हूँ और इसके अंदर इसका जूस मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको कितना मैं लूंगी, तकरीबन 1 स्पून के करीब में इसका जूस ऐसे करके निकाल लूंगी। ओके, अब जूस के अंदर मैं थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ दोस्तों, वो है लेमन। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह पे ऑरेंज जूस ऐड करोगे, अगर आपको ऑरेंज जूस सूट नहीं करता है
आप लेमन ऐड करोगे, अगर आपको दोनों सूट नहीं करता है तो स्किप करोगे और आप इसकी जगह पे हनी ऐड कर लोगे। तो मैं लेमन ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 to 5 ड्रॉप के करीब में लेमन ली हूँ, 5 ड्रॉप, यानी कि अगर स्पून से पूछते हो हाफ स्पून आप ले सकते हो, ठीक है। हनी अगर आप लेते हैं तो आप हाफ स्पून हनी भी ले सकते हैं। अब इन सबको आपको करना है मिक्स एकदम अच्छे से, ओके ओके, कुछ ऐसे से पतला सा ही ये घोल बन जाता है, ऐसा पतला सा। ये बहुत 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 बेहतरीन होता है अगर सुबह के मॉर्निंग टाइम में, अगर आप किचन से, मैं अभी सुबह से किचन में थी, फेस को वॉश भी नहीं की हूं, तो ये मेरा जो है ये क्लींजर का भी काम करेगा, साथ ही साथ पैक को भी कब काम करेगा, और जो मेरे चेहरे के ऊपर जो किचन में जो फुलका बनाते हो, सब्जी बनाते हो, और जो वो धुआं वगैरह लगता है ना, उसके से जो आपकी स्किन डैमेज होती है ना, उसको रिपेयर भी करता है। तो ये हो गया, अब इसको मैं पूरे फेस के ऊपर लगाने वाली हूँ, आंखों के नीचे भी लगा रही हूँ। पूरे फेस और आप नेक पे भी लगा सकते हो, मैं नेक पे नहीं लगा रही हूँ। अब ये हो गया, अब आपको क्या करना है, या तो फिंगर या तो उंगलियों से आप मसाज कर ले पूरे चेहरे के ऊपर, या फिर ये जो टोमेटो है ना, जिसका आपने जूस निकाल लिया, बस उसको आपको लेके और उससे आप थोड़ा सा ऐसे इसके अंदर ऐसे डाले, ये देखिए लग गया। अब आप अपने पूरे फेस पे घुमा सकते हैं। गाना भी हो गया और ये भी हो गया। देखिए ये जो टमाटर है इसके तो अंदर कुछ बचा नहीं है, अब आप चाहें तो आप इसको अपने चेहरे के ऊपर 20 मिनट्स तक, यानी कि 20 मिनट तक लगा छोड़ सकते हैं, 2 मिनट मसाज के बाद 20 मिनट तक लगा छोड़ सकते हैं, और उसके बाद फेस को वॉश कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं किचन से निकलती हूँ, देखिए मेरे पिंपल्स पूरे तरह से खत्म हो चुका है, ये जो मेरा पिंपल्स था तब बड़ा सा था वो खत्म हो चुका है, इसका दाग भी नहीं रहने वाला है। दोस्तों जो जो चीज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ना, हर एक पैक आप ट्राई कीजिए इस वीक में, जो भी मैं आपके साथ शेयर की हूँ हर एक चीज ट्राई कीजिए और देखिए कि पिंपल्स का पप्पा क्या, उसका दाग भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करती हूँ, किचन से जब भी मैं निकलती हूँ ना, तो मैं ये वाला फेस मोस्टली मतलब डेली रूटीन में मैं तो हर रोज कुछ ना कुछ लगाते रहती हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो कि जब मुझे लगता है कि नहीं बाबा मेरे स्किन की स्थिति जो है ना बहुत ज्यादा आज डल लग रही है, तो ये वाला मैं करती हूँ, ठीक है। अब क्या करती हूँ, किचन से निकलती हूँ, अपने चेहरे के ऊपर इसे लगाती हूँ और तकरीबन 2 मिनट तक मसाज कर देती हूँ इसी टमाटर से, यूं 2 मिनट तक मसाज करती हूँ, कभी टमाटर से कभी उंगलियों की सहायता से मसाज कर लेती हूँ। नहाने जाती हूँ, जब सार लेने जाती हूँ तो तकरीबन 5 मिनट्स हो जाते हैं, मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। यही चीज मैं नेक के ऊपर भी करती हूँ, बट अभी मैं नहीं कर रही हूँ। तो आप चाहे तो 5 मिनट के अंदर में वॉश कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 20 मिनट रख के वॉश कर सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ कि अभी मैं 3 मिनट हो चुके हैं, मैं फेस को वॉश करके आती हूँ और उसके बाद आप सबके साथ रिजल्ट शेयर करती हूँ। बस यूं गई और यूं आई, जाइएगा नहीं।
करके आ चुकी हूँ और आप मेरे चेहरे का ग्लो और मेरे चेहरे का वो क्या बोलते हैं ना, तुरंत विद इन सेकेंड बोलते ना, विद इन मिनट बोल दो आप, विद इन मिनट आपको मेरी स्किन थोड़ी ग्लोइंग लग रही होगी, थोड़ी फ्रेश लग रही होगी। आप इसको डेली रूटीन में जो है इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि डेली हर रोज अगर आप पूछते हो मुझसे कि छवि कोई एक पैक बताइए जो किचन से निकलने के बाद मैं लगा सकूं, तो आप इसको जो है आराम से किचन से निकलने के बाद लगा सकते हैं। और मन ही मन जो वो पिगमेंटेशन वगैरह खुश होते रहते हैं ना कि अभी तो आपके चेहरे के ऊपर नहीं आया है, बट वो सोचते रहते ओके ये किचन से निकली है, अपने चेहरे के ऊपर कुछ लगाएगी नहीं ना, तो मैं तो फ्यूचर में इसके चेहरे के ऊपर आ ही जाऊंगी, आ जाऊंगा इसके चेहरे के ऊपर, तो वो आपके चेहरे के ऊपर कभी नहीं आ पाएगा या आ पाएगी अगर आप अपने चेहरे के ऊपर ये चीज लगाती हैं तो डेली रूटीन में आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपकी उम्र हो गई है 14-15 साल की तो आराम से इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उससे कम है तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकती हैं, हनी को सॉरी दोनों को मिक्स कर सकती हैं, रॉ मिल्क और टोमेटो को, बट आपको लेमन ऐड नहीं करना है, ठीक है। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट की रिप्लाई करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ सार लेने के लिए, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।